आइए दोस्तों, टेस्ट सीरीज 11 का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन है। चलिए आइए देखते हैं। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? तो पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनता है सेना के लोगों के लिए, पुलिस के जवान के लिए, उसके निर्माण में बहुलक जो यूज़ होता है उसे बोलते हैं पॉलीएमाइड। ठीक है। और जो फोटोग्राफी हम लोग करते हैं उसमें कौन सा एसिड जो है यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफी में कौन से एसिड को यूज़ किया जाता है? तो उसमें जो यूज़ किया जाता है एसिड उसको बोलते हैं ऑक्जैलिक एसिड। तो फोटोग्राफी में ऑक्जैलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। और हमारे सलाइबा यानी लार में कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है? तो हमारे सलाइबा में यानी लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा यानी फैट का जो है पाचन कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत में ये जो है इसका पूर्ण पाचन यानी पूर्ण कंप्लीट डाइजेशन होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लौंग। ठीक है। लौंग जो प्राप्त होता है वो क्या है? ठीक है। तो वो फूल की कली है। जो लौंग यूज़ हम लोग करते हैं वो फूल की कली है। एग्जाम में पूछता है फूल की कली है, स्टेम है, तना है ना, रूट है, जड़ है, तो क्या है वो? तो फूल की कली है लौंग। ठीक है। एलर्जी जो हमें होती है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है क्या होता है? दमा उत्पन्न होता है। ठीक है। वो जो सांस फूलता है उसको बोलते हैं दमा। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? हमारे और शरीर में दीर्घ अस्थि में जो है ये बनती हैं लसिका कोशिकाएं, लिम्फ सेल्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया आप लोग सुनते होंगे, किससे होता है, क्या होता है, कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है? तो प्लीहा यानी इसको स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा जो है मलेरिया से जो है प्रभावित होता है और इसका जो है प्रोटोजोअन के कारण ये स्प्रेड होता है डिजीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में किस रेडियो एक्टिव तत्व के बड़े भंडार पाए जाते हैं? इंडिया में याद रखिएगा थोरियम का जो है बहुत ज़्यादा भंडार पाया जाता है इंडिया में, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है। आकाश में किन दो उपग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह जो है स्थित है? आकाश में किन दो उपग्रहों के मध्य में पूछा जा रहा है? तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सॉल्यूशन देने के बाद मैं क्विक पूरा 2 साल का जो है रिटेन नहीं, ओरल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। वो सब वीडियो लाइन से लाइन जो है उसको अपलोड करता हुआ चला जाऊँगा, आप उसको देख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा IAS प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।